श्रीमन नारायण दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से बाकी सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत के पारण के बाद ही जल का सेवन किया जाता है। इस दिन जल का त्याग करने का नियम है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद कथा जाप और आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। निर्जला एकादशी पर जल पीना वर्जित होता है, इसीलिए व्रत समाप्ति के बाद ही अगले दिन जल ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसीलिए किसी ज़रूरतमंद और गरीब व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र आदि दान करना शुभ होता है। आइए निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से यह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अंत आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में दो व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अंत वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो।
इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यतन के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ या करती हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा या करूँगी, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अंत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। उस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए, तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको आज की ये कथा बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रसाद पाना चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की मनमोहक कथाएं, मनमोहक कहानियां आपको आगे भी मिलती रहें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।